हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर आई हूँ और वो है कोर्स कोड। ये सबसे बड़ी समस्या है फॉर्म भरते वक्त, चाहे आप यूजी का फॉर्म भर रहे हो, पीजी का फॉर्म भर रहे हो, कोई भी भर रहे हो, कोर्स कोड आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम देख लेते हैं साइंस में कौन कौन से कोर्स कोड हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्म भरते वक्त काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे SCQP01। अब इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप जैसे देख भी रहे हो, एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, कम्युनिकेशन है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं पीजी कोर्सेज के लिए वो SCQP01 में आ रहे हैं। वहीं SCQP02 में एग्रो फॉरेस्ट्री है, 3 में माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, SCQP04 में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन है, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग है। SCQP05 जिसका जो कोड होगा आप काइंडली उसे नोट कर लेना ताकि वो आपके काम आए। तो इसमें है बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्मेकोलॉजी एंड बायोसाइंस। 6 में आप देख रहे हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, बायोसाइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स है। 7 में बोटनी एंड बायोसाइंस है। 8 में केमिस्ट्री, केमिकल साइंस एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी है वो SCQP08 में है। इसके अलावा आगे देखोगे तो 9 में है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिग डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सभी है 9 के अंदर। 10 में है क्रिमिनोलॉजी, तो ये सिर्फ एक ही है 10 में। 11 में है इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज और इकोलॉजी, ये है 11 में। 12 में देखोगे तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन, फूड साइंस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। SCQP13 इसमें है सिर्फ फॉरेंसिक साइंस। तो जो लोग भी केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस दोनों टेस्ट देना चाहते हैं वो दो कोड याद रखेंगे, एक है P08 एंड दूसरा है P13। अगला है SCQP14, इसमें जियोलॉजी है, अर्थ साइंस है एंड अप्लाइड जियोलॉजी है। एंड 15 में जियो फिजिक्स है, 16 में हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, ये सारी चीज़ें 16 में है। 17 में है लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बोटनी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिकुलर मेडिसिन, जूलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, बायोफिजिक्स एंड जेनेटिक्स एंड हेल्थ साइंस, ये सभी 17 के अंदर है। 18 में सिर्फ एक ही है मटेरियल साइंस, 19 में मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, 20 में आप देख रहे हो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल फिजिक्स है, एंड 21 में MPT है, एंड 22 में है नैनो साइंस, इंटीग्रेटिव बायोसाइंस, एंड 23 के अंदर आता है फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सभी 23 में है। 24 में फिजिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स 24 में, एंड कंप्यूटर एंड इंटीग्रेटिव साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, ये सभी 24 में है। 25 में है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। 26 में आ जाओ तो यहाँ पे सॉइल साइंस एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, स्टैटिस्टिक है 27 में, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी 27 के अंदर आता है, एंड डाटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ये 27 के अंदर है। 28 में है जूलॉजी, सेरिकल्चर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। 29 में देखोगे तो एटमॉस्फेरिक साइंस है, एंड 30 के अंदर आता है एनिमल साइंस। तो अगर आप देख रहे हो तो साइंस में, क्योंकि साइंस है तो SCQP01 to 30, ठीक है, 1 से लेकर 30 के बीच में सारे कोर्सेस हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको, कोड आपको पता होना चाहिए तभी आप अच्छे से फॉर्म भर पाओगे। अगर कोई भी क्वेरी या किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।